अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर और कितना जुल्म ढाया जाएगा? जी हाँ, आज का मौजू इसी पर है। पिछले कुछ ही दिनों में, या यूं कहिए कि कुछ हफ्तों में, अकलियतों पर जुल्म सितम की वारदातें बढ़ती ही जा रही। एक और बात इसी दरमियान में ये भी देखने को मिल रही है कि मुसलमानों को बदनाम करने की अलग अलग तरकीबें भी इस्तेमाल की जा रही है। मुसलमानों के नाम से मैसेजेस करना, कॉल करना या खतूत के जरिए धमकी देना और मखसूस समाज को जिम्मेदार ठहराकर माहौल में तशद्दुद बरपा करना, इस तरह की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। भले जुनूबी हिंद में शुमाली हिंद के मुकाबले में कुछ हद तक इस तरह की वारदातें कम नजर आ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया का बढ़ता वसी दायरा किसी भी बात को लम्हों में दूर दराज तक पहुंचाने में कामयाब हो ही जाता है। भले ही इसके पीछे साजिशें या मनसूबा हो सकता है, पर जहन मुतासिर जरूर हो जाता है। विशालगढ़ का मामला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा, हिमाचल में वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही है। खासकर मुस्लिम समाज को अब इस तरह की खबरों की वारदातें मामूल बनती जा रही है। बाज़ औक़ात तो मुसलमानों के खिलाफ खबर को ही मुसलमान ही फॉरवर्ड करते देखे जाते हैं। मतलब बेहिसी किस हद तक आ चुकी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बेलगाम के करीब एक देहात में मुस्लिम लड़के ने जहनी मरीज लड़की के अस्पतरीजी की कोशिश का मामला पेश आया, जिसके बाद वहां के मुसलमानों को धमकाने की कोशिश की गई, ऐसी इत्तला हासिल हो रही है। जुर्म कोई भी करे, मुजरिम को सजा होनी जरूरी है, पर जब मुजरिम मखसूस समाज का होता है तो मुजरिम को लेकर पूरे समाज को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है। इस तरह की कई वारदातें इससे पहले भी पेश आ चुकी है। अब तो जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने के लिए एक समाज को फर्जी वारदात के जरिए या किसी तरह की कहानियां बनाकर अकलियती माशरे को कड़घरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कडोली की वारदात को भी इसी पस मंजर में देखना चाहिए। मुजरिम समाज के किसी भी शोबे में देखा जा सकता है, पर जब जुर्म करने वाला मखसूस समाज का हो तो हंगामा बर्पा किया जाता है। खैर, इस तरह की वारदातें अब बढ़ती ही जा रही है। बेलगाम शहर महाराष्ट्र गोवा की सरहद पर बसा शहर है, और अगर महाराष्ट्र में किसी मजहबी तनाजे की वारदात पेश आती है तो इसका सीधा असर बेलगाम में भी देखने को मिलता है। विशालगढ़ मामले को भी बतौर मिसाल लिया जा सकता है, क्योंकि मलिक रेहान बाबा के चाहने वाले काफी बेलगाम शहर और अतराफ में देखे जाते हैं। जुल्म के बढ़ते मियार पर तबसरा जरूरी हो जाता है। यकीनन मजहबी मामले जज्बात से जुड़े होते हैं, फिर मामला मंदिर का, मस्जिद का हो या मजहबी किताबों का हो। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 6 अपराधों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास बीफ यानी गोश्त पकड़ा गया। तहकीक के बाद गोरक्षक होने की बात सामने आई। एक और मामला आजकल ज्यादा चल रहा है, मुसलमानों की मिल्कियत को एनक्रोचमेंट कहकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज फिर से इस तरह की वारदात इंदौर, राजस्थान में देखने को मिली। मुसलमानों की दुकानों पर सड़क तोसी के नाम पर बुलडोजर चला गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह कुछ ताजीर अपनी दुकान बचाने की कमजोर कोशिश कर रहे। कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा अब नया नहीं रहा, लिहाजा एक और तारीखी मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया जा चुका है। ये वाकया पेश आया है मध्य प्रदेश धार की मौला कमाल मस्जिद की। इस मस्जिद में बाबरी मस्जिद की तरह मौला कमाल मस्जिद में भी 37 मूर्तियां प्रकट होने की बात कही जा रही है। अब इन मूर्तियों को मस्जिद से हटाया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि सरस्वती मंदिर है जिसे मस्जिद में तब्दील किया गया। हिंदू शिद्दत पसंद लीडर अशोक जैन और गोपाल शर्मा ने पिछले साल दावा किया था कि मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है और पूजा की इजाजत देनी चाहिए। मस्जिद में 37 मूर्तियों को रखा गया था और मूर्तियां प्रकट होने का दावा भी किया गया। हिंदुत्व तंजीमों ने मुस्तकिल दबाव बनाए रखा, लिहाजा मामला अदालत में अब जेर समात रखा गया है। और अब अदालत ने फैसला भी सुनाया कि आर्कियोलॉजिकल इंडिया के जरिए सर्वे किया जाए, ऐसा कहा गया। मतलब एक और तारीखी मस्जिद मुसलमानों के हाथ से जा सकती है। और थोड़ा आगे बढ़ते, एक और मसला मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद होने का भी है। आपको अक्सर इसकी जड़ कॉलेज में ही मिलेगी। खैर, किस तरह मुस्लिम लड़की को प्यार के जाल में फांस कर कत्ल कर दिया गया, फिर उसकी लाश को फेंक दिया गया। पुलिस इसे लव एंगल मान रही है। मामला इंदौर का है। फार्मेसी की पढ़ने वाली सैयद सारा के कत्ल को जिम्मेदार गौरव सरकार और स्निग्धा मिश्रा को हिरासत में लिया गया। सारा सैयद कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन आजाद ख्याली, फ्रेंडशिप, एंजॉयमेंट मतलब मकसद से कहीं दूर चले जाते हैं। सबसे अहम दीनदारी से इनका कोई रब्ता नहीं रहता। भले कुछ लड़कियां बुरखा पहनकर घर से निकलती हों, लेकिन फिरका परस्त तंजीमें इन्हें अपने जाल में फांस लेती है। सारा सैयद मामले को ज्यादा तफसीलात से बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की वारदातें इससे पहले भी पेश आ चुकी हैं।
कॉलेज, एक्स्ट्रा क्लास, सहेलियों के घर, कॉलेज में फंक्शन, तमाम कहानियां घरों में बताकर लड़कियां रास्ते से भटक जाती है, जहां लव जिहाद की झूठी कहानियां गढ़ी जाती है ताकि भगवा लव ट्रैप को छिपाया जा सके। भारत में सैकड़ों वाक्य पेश आ चुके हैं और आज भी इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा ही रहा है। पर क्या इन वारदातों से मुस्लिम समाज की लड़कियां किसी तरह का सबक सीख पाएंगी? क्योंकि तालीम के नाम पर रास्ते से भटकने वाली लड़कियों की तादाद ही ज्यादा पाई जा रही है। मस्जिद हो, मोहल्ले में, तकरीबात में इस तरह अहम मसलों पर तबादले ख्याल करना जरूरी है। दीन से बेजारी और मादा परस्ती, ऐश परस्ती ने जज्बे ईमानी को कमजोर करके रखा हुआ है। खासकर वालिदैन बच्चों को समाज माशरे के फला बहबूदी के लिए नहीं पढ़ाते, दीन का दाई बनकर दीन के काम करने के लिए नहीं पढ़ाते, बल्कि इनसे रुपया कमाना चाहते हैं। जाहिर है जब नीयत ही रुपये कमाने की हो तो अल्लाह के वली कहाँ से पैदा होंगे। नतीजे इस तरह के बरामद हो जाते हैं, किसी गैर का हाथ थाम कर मुर्तद हो जाती है या फिर उसे मार दिया जाता है या बाजारों में बेच दिया जाता है। पर न तो इस मसले की फिक्र वालिदैन को है और न ही समाज के दीनी सियासी जिम्मेदारों को है। बेशुमार वाक्य पेश आ रहे हैं पर मुस्लिम समाज लंबी खामोशी में नजर आ रहा है। मस्जिद, मदरसे, इबादतगाहें, बुजुर्गों के आस्थाने पर कभी बुलडोजर तो कभी मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके पीछे चुनाव या चुनाव के जरिए इख्तदार तक पहुंचने की साजिशें हो सकती है, पर मुस्लिम समाज आज भी बटा हुआ तो है ही, पर कभी दहकते मौजुओं पर सरों को जोड़कर बैठते हुए आज भी नजर नहीं आते। सवाल वही रुका हुआ है कि कब तक जुल्म सितम जारी रहेगा और कब तक ये मिल्लत इसी तरह बेहिस बनकर तमाशगीर बनती रहेगी। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।